आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब तक की ताजा हेडलाइंस के साथ। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पसीना रोड स्थित एक फैक्ट्री को 3 दिन का कारण बताओ नोटिस किया जारी। फैक्ट्री को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का पाया गया दोषी। 3 दिन में फैक्ट्री मालिक ने मानक नहीं किए पूरे तो फैक्ट्री को किया जा सकता है बंद। संभालका की संगम कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय युवक का सोनीपत खुबड़ू झाल में मिला शव। सनोली थाना के गांव नवादापार के पास 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक सहित 2 लोगों ने गवाई जान। दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। जिले में कोरोना कहर लगातार जारी है, एक साथ फिर 59 नए संक्रमित मामले आए सामने। जिले में अब तक कुल 86 लोग हार चुके हैं कोरोना से जिंदगी। 756 लोगों का अभी चल रहा है इलाज। जिले में अब तक कुल 6355 लोग ठीक होकर लौटे घर। किला थाना क्षेत्र के काबुलाबाग कॉलोनी में एक रिटायर्ड मेजर ने कंस्ट्रक्शन कारोबारी पर हिसाब में गड़बड़ी का आरोप लगा किए 3 फायर। किला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रिटायर्ड मेजर व उसके भतीजे को किया काबू। खन्ना रोड स्थित एक मिष्ठान भंडार के संचालक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शिकायत देकर पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। युवा जिला अध्यक्ष के मकान पर कब्जा करने की शिकायत पर पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। अब तक के इस ताजा अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।